आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 नंबर एक्सरसाइज है आपका 5.2, क्वेश्चन नंबर है 5। वाई इक्वल टू, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वाई इक्वल टू दिया है कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस नहीं पहले साइन है, क्या है साइन, अब बट्टा में कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि कैसे बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, डिवाइड रूल से। क्यों? क्योंकि ये बट्टा के रूप में है, जो बट्टा के रूप में रहता है तो उसको हम लोग डिवाइड रूल से बनाते हैं, यानी कि इसको हम यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे। अब देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, अच्छा हम नीचे वाले को कॉन्स्टेंट कर लेते हैं सी एक्स प्लस डी, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस बी, अब साइन का हो जाएगा बच जाएगा कोण, तो कोण को हम लोग आगे मल्टीप्लाई देकर और लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कोण यानी कि डी एक्स, और फिर माइनस देते हैं, और माइनस देने के बाद क्या करते हैं हम, फिर क्या जिसका डिफरेंशिएशन उसको कॉन्स्टेंट कर देंगे, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग कॉन्स्टेंट कर देंगे, और डिफरेंशिएट नीचे हम लिख देते हैं इसको, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का करेंगे, और बट्टा डी सी एक्स प्लस डी, और डी सी एक्स प्लस डी बट्टा डी एक्स, और टोटल का स्क्वायर मैंने होल स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कॉस को हम वैसे के वैसे लिख देंगे सी एक्स प्लस डी, और साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या हो जाएगा ए और बी का जीरो, तो यहाँ ए हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का सी और डी का जीरो, और बट्टा में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहां से आपको एक लाइन और बात काम करना है यहाँ पे, और इसको क्या करना है, इस जो सी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऊपर में कॉस सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी तो साइन में है लेकिन यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ नीचे दो को कॉस है, क्या है दो कॉस है, तो ये दोनों कॉस क्या करेगा, ये जो कॉस एक कॉस एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ दो कॉस है तो एक एक वाला कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा। अच्छा आप लोग जानते हैं एक चीज यहाँ बताते हैं आपको कि 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, होता है ना, तो 1 बटा कॉस थीटा बचेगा ना, इसको हम लिख सकते हैं ना सेक सी एक्स प्लस डी होगा, हो जाएगा। अच्छा ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसको हम वैसे को वैसे लिख देंगे कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हो गया, और माइनस अब देखिए यहाँ भी ये साइन रह जाएगा ऐसे कैसे साइन ए एक्स प्लस बी जैसे का तैसा रह जाएगा। अच्छा अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ भी दो है और यहाँ भी है, तो एक 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 कॉस इसके साथ चला जाएगा साइन वाले के साथ, और ये माइनस, सॉरी यहाँ छूट गया, ये माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हाँ एक कॉस इसके साथ हो जाएगा, यानी कि कॉस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस बच जाएगा यानी कि हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है मेरा, देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू दिया है कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो इनटू में दिया है तो इसको हम u मानेंगे और इसको हम भी मानेंगे। ठीक है, और u इंटू भी पे चूंकि ये दो दो फंक्शन गुणा में दिया है तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से बना देंगे।
तो देखिए आप लोग प्रोडक्ट हम इसके पहले वाले वीडियो में बनाए हैं, जाके हमारे प्लेलिस्ट से आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे डब्ल्यू आर टी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ये डी वाई बटा डी एक्स। चलिए हम इसको कॉन्स्टेंट करते हैं दूसरे वाले को, साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव और डी कॉस एक्स क्यू, यहाँ तो कॉस का हो जाएगा बच जाए एंगल, तो एंगल को नीचे लिखेंगे डी एक्स क्यू अब बटा डी एक्स अब प्लस फिर कॉस एक्स क्यू को कॉन्स्टेंट करेंगे साइन एस साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव डी साइन एक्स के पावर फाइव, क्योंकि यहाँ पहले पावर का फिर बेस का होगा, फिर डी साइन एक्स के पावर फाइव डी एक्स के पावर फाइव डी एक्स के पावर फाइव बटा डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू और एक्स क्यू का हो जाएगा क्या बाबू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यू और साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा टू साइन एक्स के पावर फाइव और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स के पावर फाइव और एक्स के पावर फाइव का हो जाएगा फाइव एक्स के पावर फोर। यहाँ जब भी पावर आते हैं पावर कम कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू और साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव प्लस फाइव एक्स के पावर फोर कॉस एक्स क्यू, सॉरी यहाँ पे पंद्रह का दस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दस हो जाएगा, क्योंकि दो और पाँच दस हो जाएगा, ठीक है। और कॉस एक्स की भी फिर हो जाएगा साइन एक्स के पावर फाइव और कॉस एक्स के पावर फाइव, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा सात नंबर, तो आइए हम लोग सात नंबर को भी देख लेते हैं। चलिए सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए हम लोग सात नंबर देखते हैं। देखिए सात नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, y इक्वल टू टू इंटू कॉट एक्स के स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, जब भी आपको रूट में कोई भी फंक्शन रहता है तो रूट में रहता है तो क्या करते हैं, पहले रूट क्या करते हैं फिर रूट के अंदर वाले क्या करते हैं। चलिए यहाँ पे हम करते हैं डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टी एक्स यानी कि डी वाई बटा डी एक्स। चलिए दो तो दो रह जाएगा, अच्छा हम इसको शॉर्टकट बनाते हैं। देखिए अब तो आप सीख गए हैं, देखिए पहले दो का दो रह जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन एक बटा दू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे कहते हैं रूट का हो गया, अब देखिए कॉट बच गया, तो कॉट का क्या हो जाएगा, सॉरी इसको रह देते हैं, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के पावर फाइव। अब देखिए इसका कॉट का भी हो गया, अब एंगल का होगा एक्स के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ना है, हाँ एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा। ये बताइए दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए तो एक लाइन में बन गया ना, तो आप सीधे कंसेप्ट में जाइए कि पहले हम रूट क्या करेंगे फिर रूट के अंदर वाले क्या करेंगे, तो अंदर वाले में भी त्रिकोणमिति फंक्शन है तो त्रिकोण में पहले त्रिकोणमिति इसका कॉट का होगा फिर इसका एंगल का होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आठ नंबर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फिर। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू दिया है कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए कॉट रूट एक्स जो दिया है आप इसको भी शॉर्ट से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाइएगा इसको भी शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं आपको, डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डी वाई बटा डी एक्स। देखिए यहाँ पे ये भी कंपोजिट फंक्शन है तो कॉस का माइनस साइन लिख लीजिए, चलिए कॉस का हो गया फिर रूट, इसका कितना हो जाएगा वन बाई रूट एक्स का दू रूट एक्स, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स अब बटा दू रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ओके। यानी कि आप अब हमें उम्मीद होगा कि अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।